एक्ट्रेस जिया मानेक इन दिनों बिग बॉस 14 में एंट्री को लेकर एक बार फिर से लाइमलाइट में बनी हुई हैं। जिया के फैंस भी उन्हें टीवी पर देखने के लिए काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। एक वक्त था जब जिया मानेक की पॉपुलैरिटी साथ निभाना साथिया शो से आसमान छू रही थी। लोगों को उनका भोला भाला मासूम सा सकुचाए सा गोपी बहू वाला किरदार इतना पसंद आया था कि उस वक्त टीवी पर सिर्फ और सिर्फ गोपी बहू यानी कि जिया मानेक ही छाई हुई थी। लेकिन जिया की एक गलती ने उन्हें शो से बाहर कर दिया, जिसका असर उनके करियर पर भी साफ देखने को मिला है। आखिर क्या थी वो गलती जो 8 साल पहले जिया ने की थी और जिसकी वजह से उन्हें अपने इस आइकॉनिक किरदार को छोड़ना पड़ा था, बताते हैं आपको। जिया की वो गलती थी उनका साथिया शो को छोड़कर झलक दिखला जा जैसे रियलिटी शो को ज्वाइन करने का फैसला। जिया ये बात है साल 2012 की, जब साथिया शो को टीवी पर सक्सेसफुली चलते हुए 2 साल हो चुके थे और हर कोई गोपी बहू के किरदार में जिया को अपने दिल में बसा चुका था। तभी जिया ने कलर्स के रियलिटी शो झलक दिखला जा में हिस्सा लेने की सोची। ऐसा करके जिया ने स्टार प्लस के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन भी किया। खबरों की माने तो जिया को स्टार चैनल ने साफ तौर से अपने कॉम्पिटिटर चैनल के इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने से मना कर दिया था, लेकिन जिया ने इस चेतावनी को नजरअंदाज करके शो में चैनल के खिलाफ जाते हुए हिस्सा ले लिया। इसके बाद चैनल ने जिया को तुरंत ही सीरियल के लीड रोल से बाहर का रास्ता दिखा दिया। स्टार प्लस के साथ जिया के करार में साफ तौर पर लिखा था कि चैनल के साथ काम करने वाला कोई भी कलाकार कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन नहीं करेगा, लेकिन जिया ने झलक के सेट पर जाने के लिए चैनल्स के साथ साथ मेकर से भी अनबन की। उस वक्त स्टार प्लस ने जिया के ऐसा करने से इसे अनप्रोफेशनल और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार बताया था और उनसे कॉन्ट्रैक्ट तुरंत ही खत्म कर दिया था। हालांकि चैनल को नई गोपी बहू के रूप में जल्द ही देवोलीना मिल गई और लोगों ने उन्हें भी वैसा ही प्यार दिया जैसे शो में जिया को दिया था, लेकिन इसी के साथ जिया का जादू धीरे धीरे टीवी से कम होता चला गया। वो झलक दिखलाजा के सेट पर कंटेस्टेंट बनकर गई, लेकिन वो इसे जीत नहीं पाई। इसके बाद जिया ने कई शोज किए जिसमें जीनी और जूजू, अजब गजब घर जमाई, बड़ी दूर से आए हैं, मनमोहनी जैसे शोज शामिल हैं। जिया को जीनी और जीजू में जीनी के रोल में काफी पसंद भी किया गया था, लेकिन 2 साल बाद जिया ने ये शो भी छोड़ दिया। साथिया शो को छोड़ने के एक फैसले ने उनके ऊपर पहुंचे करियर को धीरे धीरे नीचे खिसका दिया। हालांकि अब सालों वक्त बाद जिया एक बार फिर से बिग बॉस के जरिए टीवी पर वापसी कर रही हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि बिग बॉस में आने से उन्हें कोई फायदा होगा या फिर नहीं।